नमस्कार, मैं हूं ज्योति बघेल। बीबीएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए बात करते हैं फरीदाबाद की। एनआईए की टीम ने फरीदाबाद में गैंगस्टर कौशल के घर छापा मारा। एनआईए की टीम ने फरीदाबाद पुलिस के साथ मिलकर आज सुबह करीब 7 बजे फरीदाबाद के एक गांव खेड़ी कला में टेकचंद के घर पर रेड की। एनआईए की टीम करीब 8 घंटे टेकचंद के घर पर रही। इस दौरान उन्होंने घर का कोना कोना खंगाल डाला। आपको बता दें कि टेकचंद गैंगस्टर के साथ काफी समय से है, हालांकि अभी वह जेल में बंद है। टेकचंद पर हत्या व लूट जैसे संगीन अपराधों के 15 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। टेकचंद के पिता डालचंद ने बताया कि वह सुबह सोकर उठे तो एनआईए की टीम उनके गेट पर थी। उन्होंने अपना परिचय दिया कि वह एनआईए से हैं। उनके साथ में लोकल पुलिस भी थी। लालचंद ने बताया कि एनआईए की टीम ने उनसे कहा कि वह घर की तलाशी लेना चाहते हैं, जिस पर उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई। एनआईए की टीम कई घंटों घर में रही और सभी जगहों पर तलाशी की, हालांकि उन्हें कुछ नहीं मिला। आखिर में वह टेकचंद के पिता डालचंद का फोन लेकर चले गए। टेकचंद के पिता के मुताबिक टेकचंद पिछले 1.5 साल से जेल में बंद है। डालचंद जी, सुबह सुबह कौन आए थे? सुबह सुबह पुलिस आई जी और कुछ सिविल में थे जी, वो बोल रहे हमें एनआईए वाले। एनआईए वाले क्या कारण है जो आपके घर पर आई? वो बोल रहे थे जी टेकचंद आपका लड़का है। हाँ जी, हमको कुछ इनपुट मिला आपके घर के लिए तलाशी ले। हम बोल रहे जी शौक से लो जी, हमारी तरफ से कोई मना नहीं है, आप किसी तरह की भी तलाशी ले सकते। तो क्या आपने पूछा कि ये टेकचंद के वजह से क्यों लेनी है? वो हमें कुछ नहीं बताया जी उन्होंने। तो टेकचंद जो है ऐसा क्या है जो उसकी वजह से आपको एनआरआई आना पड़ा? टेकचंद क्या काम करते हैं सर? टेकचंद जी जेल में है जी, कितने वर्षों से दो चार छह केस लगे हुए जी। अच्छा, केस आप खुद कह रहे हैं कि लगे, कौन कौन से केस हैं? अब ये तो मैं भी ना जानूँ जी, कोई 307 को भी है, मर्डर को भी हो सके जी, और वैसे लड़ाई जा सकती। लेकिन जिस तरह से हम यहाँ सुनते भी आए हैं कि टेंशन से काफ़ी लोग खौफ पाते हैं, ऐसा क्यों है? क्यों खौफ पाते हैं? ऐसा क्या काम करते हैं? खाना खाई खाते हैं जी, कोई खौफ नहीं खा, झूठ है। अच्छा, तो अब जेल से वो कब से हैं? ये 1.5 साल हो गए जेल में। तो कितने लोग जो है क्या नाम उनके साथ रहते हैं टेंशन? अब ये तो पता नहीं जी कितने साथ जेल में कितने साथ रहते होंगे। हम सो रहे थे, मैं सो के उठा था जी, और ये घर वाली गेट खोल दी। तो कितने कमरों में तलाशी ली, क्या उसमें कुछ मिला? 4